वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था डाइजेशन इन ह्यूमंस और हमने उसे पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसी के आगे करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। और ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से नोटिफिकेशंस मिलती रहे वीडियोस की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, वो आज हम कवर करेंगे और आज हमारा चैप्टर लगभग ओवर भी हो जाएगा। तो उससे पहले ये यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स है जो मैंने आपको इस पूरे सारे तीनों लेक्चर में जितने लेक्चर्स अभी तक हुए हैं मैंने उसमें बोला है कि ये ब्लू बॉक्स कभी भी नेगलेक्ट मत करना, नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज वन मार्कर टू मार्कर इसी ब्लू बॉक्सेस से बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए जानते हैं इस वाले ब्लू बॉक्स में है क्या। तो इसमें बोला गया है, समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वॉटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। सो बेसिकली हमने बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा हमारी ह्यूमन बॉडी में कि स्टूल कभी भी पास नहीं होता और इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। सो बेसिकली हम इसको हिंदी वर्ड्स में बोले सो बेसिकली इसका मतलब है पेट खराब हो जाना। जब और इट इज इसके आगे इट इज इट मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। सो बेसिकली ये थ्री फैक्टर्स है जिससे मैक्सिमम डायरिया होता है लोगों को। इन्फेक्शन से जब पेट में बैक्टीरिया हो तब इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जब हम कोई बाहर का कुछ एक्सपायर्ड फूड कुछ ऐसा खा लेते हैं, और इनडाइजेशन जब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। और यस बेसिकली ये सब छोटे बच्चों को मैक्सिमम होता है और अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। सो ये तब होता है जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर और सॉल्ट का, क्योंकि बेसिकली जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो वाटर इतना कंज्यूम नहीं करते, जबकि बोलते हैं कि हमें हमें हर दिन 2 लीटर ऑफ वाटर तो कंज्यूम करना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसकी वजह से वाटर और सॉल्ट कंटेंट कम हो जाते हैं उनकी बॉडी से। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट। तो बेसिकली आपने आपके घरों में मैक्सिमम घरों में ये सब होता होगा कि बॉइल्ड या कूल्ड वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट शुगर, जिससे और इसको हम ORS भी बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या सॉल्ट। ORS तो आपने सबने देखा होगा ORS को, ये पैकेट है, ये पाउडर फॉर्म में है, इसका ड्रिंक भी आता है, ड्रिंक भी आने लग गया है। और ये बेसिकली आप अगर आपने कभी टेस्ट करा, मैंने भी जब मैं छोटी थी तब मैंने टेस्ट करा था, सो ये बेसिकली स्वीट और सॉल्टी के बीच का फ्लेवर होता है। सो बेसिकली इससे जो है हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है और जो वाटर स्टोर है वो इजीली पास हो जाता है हमारी बॉडी से, जिससे एक्सेसिव जो भी हमारा एक्सेसिव वेस्ट है वो निकल जाता है और हमारा जो डायरिया है वो खत्म हो जाता है और हम बेटर फील करते हैं। सो बेसिकली ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम इसमें मार्क कर लेते हैं क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर में नोटिस करा होगा सबसे ज्यादा ब्लू बॉक्सेस हैं। क्यों दिए जाते हैं ब्लू बॉक्सेस बेसिकली, ताकि हम जान सके, बेसिकली एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है आउट ऑफ द बॉक्स और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने जाते हैं। तो अब हम दूसरे कलर से करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डायरिया। सो ये है डेफिनेशन, समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, नोटबुक में लिख लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डायरिया, डायरिया किसकी वजह से होता है। सो बेसिकली इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, फूड
पॉइजनिंग और इनडाइजेशन, तो इन तीनों के ये तीन फैक्टर्स हैं। और इसके बाद आता है व्हाट इज द रीजन फॉर डायरिया, डायरिया किस वजह से होता है, क्योंकि इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग कॉमन होती है, पर अगर एक्सेसिव लॉस और वाटर सॉल्ट बॉडी से निकलने लगे तो वो बहुत सीवियर कंडीशन पे जा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, इसमें ये आएगा। और फिर इसके आगे आएगा कि व्हाट इज द क्योर फॉर डायरिया। सो आप दो दो हेडिंग्स लिखेंगे, एक होममेड, एक होता है जो हम घर पे ओआरएस का सोल्यूशन बनाते हैं, जो होता है पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर, और फिर आता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज ओरल रिहाइड्रेशन और व्हाट इज ओरल रिहाइड्रेशन स्टैंड फॉर, और ओआरएस बेसिकली स्टैंड फॉर। तो इसके लिए आप लिखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो बेसिकली ये हेल्प करता है डायरिया को प्रिवेंट करने में। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब आगे आता है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो हमने अभी तक डाइजेशन इन ह्यूमंस देखा, तो बेसिकली अब डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में आएंगे, अब जो सिर्फ ग्रास खाते हैं। तो इसमें हैव यू ऑब्जर्व काउज बफलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने कभी ऐसा नोटिस करा है, अगर आप कभी किसी विलेज में या कभी आसपास गाय आपने लोकेलिटी में कभी भी देखी हो, तो आपने कभी ये नोटिस करा है कि वो हमेशा अपना माउथ च्यू करती रहती है, उसका माउथ कंटिन्यूअसली चलता रहता है इवन इफ शी इज नॉट ईटिंग। मतलब अगर वो खा भी नहीं रही हो कुछ ग्रास, तो उसका माउथ तब भी कंटिन्यूअसली च्यू होता रहता है। तो इसका एक रीजन है जो हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो इस डायग्राम में बेसिकली ये एरिया है इसका र्यूमन। बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली ये र्यूमन है इनका स्टोर हाउस। तो बेसिकली तुरंत अपना जो भी ग्रास है वो तुरंत स्वॉलो कर लेते हैं और फिर इसमें स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम बेसिकली वाटर स्टोर करता है कैमल अपने हम्प में, तो बेसिकली वैसे ही जो काउस है वो अपनी जो ग्रास है उसको स्वॉलो करके ह्यूमन में स्टोर करती है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे क्या जानते हैं। तो इसमें आता है हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीटली नहीं होता, क्योंकि उसने उसे प्रॉपरली च्यू नहीं करा होता। बट द लेटर कट रिटर्न रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। बेसिकली काउ में एक ऐसी एबिलिटी है कि वो फूड स्वॉलो करने के बाद उसको फिर से अपने माउथ तक ला सकती है, और इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन। क्या हुआ अभी तक, उसने जो काउ है उसने ग्रास स्वॉलो करी, वो र्यूमन में रहा, ह्यूमन वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ इसलिए वो फिर से उसके माउथ में आया, और इसी प्रोसेस को फिर से च्यू करके फिर वो उसे कहते हैं र्यूमिनेशन। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे कहते हैं कड। ठीक है, और ये फूड एनिमल के माउथ तक स्मॉल लम्प्स में आता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आता है, एक साथ नहीं आता, स्मॉल पार्ट्स में आता है, और इन एनिमल्स को कहते हैं र्यूमिनेंट्स। इन एनिमल्स को ह्यूमेनाइंस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ उसको कट कहते हैं, और फिर वो माउथ में रिटर्न हुआ उसको ह्यूमिनेशन कहते हैं, और इन्हीं एनिमल्स को ह्यूमेनाइंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन ह्यूमिनेंट्स लाइक कैटल डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमंस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैसियम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक बोला क्या गया है
जो ग्रास होती है वो रिच इन सेल्यूलोज होती है, जैसे हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था कि वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, और रूमिनेंट्स जैसे कैटल हो गए, डियर हो गया, काउ हो गया, इनमें ये कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जैसे ह्यूमंस में जूसेस प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, वैसे ही ऐसे रूमिनेंट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि सेल्यूलोज एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ह्यूमंस एनिमल्स सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो वैसे टाइप के बैक्टीरिया नहीं होते हैं। और जैसे एनिमल्स हो गए, हॉर्सेज हो गए, रैबिट हो गए, उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं केसियम, जो उनके प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। सो बेसिकली जो सेल्यूलोज होता है फूड, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। मैंने वही बताया कि यही जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ह्यूमिनेंट्स में वो ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ना कि एनिमल्स में। सो बेसिकली इसमें ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में इतनी डेफिनेशन आएंगी, इतनी डेफिनेशन आएंगी कि आपको जब तक आप इसे लिख के याद नहीं करेंगे आपको याद नहीं हो सकती। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो बेसिकली सबसे मुश्किल आती है बच्चों को इसको प्रोनाउंसिएशन करने में, इसे अलग अलग वर्ड्स से प्रोनाउंसिएशन करते जो रॉन्ग होती है। अगर आपको कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगे, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्ट लगे, तो उसका बेसिक एक इजी मेथड है कि उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। सो ये बेसिकली है अमीबा, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए अमीबा। तो ऐसे होता है। और अब ये है कि इसके बारे में जानते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ ये एक ही सिंगल सेल्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट सेल है अपने आप में। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, बेसिकली पॉन्ड वाटर जहाँ पे डर्टी वाटर होते हैं, स्टैगनेंट रुका हुआ वाटर, जहाँ पे एल्गी जनरली होती है वहां पे ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली ये जो अमीबा है ये हमें आंखों से नहीं देख सकते, बेसिकली एक बैक्टीरिया है, तो इसलिए ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकता है। और इसलिए इसका इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल स्मॉल बबल्स वैक्यूल्स के होते हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो आगे क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप एंड पोजिशन, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो इसमें क्या है, जो अमीबा है इसमें इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इससे पहले कहा पढ़ा था, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी हो मेरी पिछले वाली तो आपको याद होगा कि हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाय में, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में देखा था जो हेल्प करता था उनके एब्जॉर्प्शन में। सो बेसिकली इस वर्ड की भी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों के लिए टफ होगी। सो बेसिकली इसमें जो पी है ये साइलेंट होता है। सो अगर हम इस पी को स्किप कर दें और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये होगा स्यूडोपोडिया, ये होगा स्यूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट होता है, पी को नहीं कंसिडर करते, ठीक है। और फॉल्स स्पीड फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो इस स्यूडोपोडिया का डिफरेंट अलग नाम होता है जिसे कहते हैं फॉल्स फीट। इसे फॉल्स फीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो फीट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि इनके कोई फिक्स्ड फीट नहीं होते, क्योंकि इनकी बॉडी ऐसी होती कि ये अपने फीट कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स फीट कहा गया है। तो इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्यूडोपोडिया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्यूडोपोडिया एंड व्हाट इज अमीबा, उसके पूरे न्यूट्रिशन के बारे में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब आता है
अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. And gradually, the digested food is being absorbed. तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है. मैं सिंपल से बताती हूँ आपको क्या होता है. ये डायग्राम को एग्जाम्पल मानते हैं. बेसिकली अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये जो अमीबा है ये वाटर में प्रेजेंट है और सडनली इसने तो और सडनली वहां पर बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो हमें नहीं दिख सकते. सो बेसिकली अगर कोई दूर या कुछ दूरी में कोई माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होगा तो ये तुरंत सेंस कर लेगा. इट विल सेंस. तो फिर क्या करेगा, वो अपनी तैयारी करना शुरू करेगा. बेसिकली जो स्यूडोपोडिया बेसिकली उसके आर्म्स उसके हाथों की तरह काम करते हैं जो हेल्प करता है फूड को पकड़ने में. तो क्या होता है, जैसी जो ये जो एनिमल है ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जैसे ही पास आने लगता है जो अमीबा है वो अपने जो स्यूडोपोडिया है वो कुछ ऐसे ले आता है. इस डायग्राम में तो नहीं है, वो पहले ऐसे होता है फिर वो ऐसे करके यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता है तभी इसे फॉर्ड फीड कहते हैं क्योंकि वो एक साथ मिला सकता है. और फिर जो इंसेक्ट है जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जो अमीबा इसको कवर करने लगेगा और इसके सारे जूसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा. और इसमें अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एब्जॉर्ब करने में. और फिर क्या होता है, सारे जूसेस एब्जॉर्ब करने के बाद अमीबा कहीं किसी भी जगह से वो एक अपना आर्म खोल सकता है और वहां से जो लेफ्ट ओवर वेस्ट है वो निकाल सकता है. तो बेसिकली वो उसके सारे जूसेस एब्जॉर्ब, जैसे ह्यूमंस में ही सारा सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जो फेकल मैटर बचता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना. तो ऐसे इसमें भी जो फेकल मैटर पड़ा होगा वो निकल जाएगा. सो और जो अमीबा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है और इसलिए जो एनिमल्स सेंस करेगा उसको वो ऐसे इंगल्स कर सकता है. इंगल्स का मतलब इनटेक, अंदर इंजेक्ट कर सकता है अपने, जिसे हम ह्यूमन बॉडी में इजेशन कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने डाइजेशन ह्यूमन पढ़ लिया हो तो आप इन दोनों चीजों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, कैसे वो चीज ह्यूमन में है और कैसे वो चीज एक अमीबा में है. ठीक है, तो इसलिए पिछला ये पूरा चैप्टर की जो एक एक टॉपिक है वो एक दूसरे से लिंक्ड अप है, तो इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से करने की जरूरत है. सो आगे बढ़ते हैं. सो अब इसमें आगे क्या आता है, इसमें ये आता है द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स. ये हम सब जानते कि सबका डाइजेशन फूड रिलीज ऑफ एनर्जी सबका सेम है. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अब्सॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो आगे चल के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और जो एब्जॉर्ब हो पाती है इंटेस्टाइन से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में अगर आपने नोटिस कराओ मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इंटेस्टाइन से जो फूड है वेरियस पार्ट्स में जाता है. मैंने बताया था कि विलाई में जो नर्व्स जो वेन्स वगैरह प्रेजेंट होती है वो हेल्प करती है फूड को डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने के लिए. सो इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं लेटर चैप्टर में. और हाँ, आपके ये जो अभी हमने पढ़ा था वो इजीली आपके एनसीईआरटी में नहीं था, तो अगर आप चाहें आप ये डायग्राम बना सकते हैं आपकी ईज के लिए. तो बेसिकली क्या था, ये मैंने वही बताया था जो फूड था ये सेंस करा तो इसके स्यूडोपोडिया ऐसे बाहर निकलने लग गए और इसने ज्वाइन कर लिया एक साथ और ये यहीं पे ट्रैप हो गया. फिर क्या, इसने पूरे जूसेस एब्जॉर्ब कर लिए और फिर ये एकदम एब्जॉर्ब करा इसने. एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या था, फिर हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब करा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से वो एकदम फैकल मैटर बनने लग गया
और दूसरी किसी भी साइड से वो किसी भी एंगल से वो एक्सक्रीट आउट कर सकता है। तो अगर मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी से, और आप इधर भी कर सकते हैं, ये इंजेशन हो गया, ये डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, क्योंकि अमीबा आपके लिए नया है तो आपको इसे अच्छे से करने की जरूरत है। सो आज हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर टू जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, और अब न्यूट्रिशन इन एनिमल सॉरी। तो अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से रिवाइज करना है। इस चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं, है ना, और इस चैप्टर की स्पेशली बैक एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको अगले लेक्चर में हमारा कवर होगा, यही चीज वो आपको करनी है, ठीक है, बैक एक्सरसाइज। और स्पेशली आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस टेस्ट लगाने हैं और एमसीक्यू स्पेशली करने हैं और वन मार्कर भी, क्योंकि बहुत बनते हैं इस चैप्टर से। और अगर आपने ये चीज फॉलो नहीं करी तो आपको चैप्टर अभी तो हो जाएगा पर बाद में आप पूरा चैप्टर भूल जाएंगे। ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उससे काफी टफ है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी नई चीजें हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से नहीं कर पाए तो आपके आगे के भी चैप्टर्स इजीली नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, हमारा अब अगला लेक्चर इसकी बैक एक्सरसाइज पे होगा। और आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो चलिए, और अगर हाँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।